21 दिनों में बच्चा निकल जाता है, 21 दिन में तैयार हो जाता है। 15,000 है इसमें, 15,000 है। इस अंडे के अंदर बच्चा जो है उसके अंदर वो सांस लेता है, वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्म रूप से छिद्र है। ये देखिए, ये देसी ब्रीड है। ये सारे कुछ अंडे हैं जो अभी निकलने के बाकी हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए टिपिंग हो रहा है, ये बच्चे निकलेंगे यहाँ से। देखिए देखिए देखिए, ये निकल गया। इसमें टोटल कितने होंगे सर? अराउंड लगभग अराउंड ये 7,000 है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद हूँ जिस जगह पे उसको कहते हैं हैचरी, जहाँ पर अंडे को लाया जाता है। वहाँ से जो जिस चीज़ का है वो, जैसे डक का हुआ या फिर सोनाली ब्रीड का हुआ या फिर कड़कनाथ का हुआ, बटेर का हुआ, वो सारे बच्चे यहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा था कि इसकी मशीन्स कैसे होते हैं, किस टेम्परेचर पर रखते हैं। थोड़ा सा ये ब्लू ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बॉक्स फ्रिज की तरह दिख रहा है, बट यही जो है वो हैचरी है। ऊपर में जो आप देख रहे हैं उसका टेक्निकल कुछ इस्तेमाल होगा जो कि मुझे नहीं पता। यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस चीज़ में किस चीज़ का अंडा रखा हुआ है या फिर कैसे इसको मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, किस तरीके से इसका देखरेख किया जाता है, कितना समय लगता है एक अंडे को तैयार होने में। तो सर बताएंगे थोड़ा सा स्टार्टिंग से कि क्या है ये? ये इसको इंग्लिश में इन्क्यूबेटर कहा जाता है। अच्छा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली भाषा में हम लोग हैचरी कह देते हैं। हाँ। ये लेकिन इन्क्यूबेटर है, अंडे को रखने का ये स्थान है जिस पे इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे कहा गया है कि जनरली जो मुर्गी चाहे बत्तख एनीथिंग जो अपने अंडे को सेना हिंदी सेती है, उसी चीज़ को ये बल्क में मशीन ये इसको सेता है। हाँ। इस मशीन को इस टेम्परेचर 99.9 रखा जाता है, 99.9 रखा जाता है, और ह्यूमिडिटी जो है 80 से 90 के बीच में रखा जाता है, 90 के बीच में रखा जाता है। और उसको मौसम के अनुसार थोड़ा सा अपना वो ऑपरेटर है जो उसको आगे पीछे करता रहता है और उसको हम काम करते हैं। अभी इसमें जो अंडे लगे हुए हैं सोनाली के एग्स हैं। मैं आपको, हाँ सोनाली के एग्स हैं। डिफरेंस कैसे पता चलता है सर? मतलब अरे बाप रे, ये जो है ये सोनाली के एग्स हैं, इसका थोड़ा साइज छोटा होता है। अच्छा। हाँ साइज छोटा होता है और बतख बड़ा होता है। ये सोनाली एग्स लगा हुआ है हमारा, ये आपको 21 दिन में बच्चा निकल जाता है। 21 दिन में तैयार हो जाता है। हाँ, लेकिन इनक्यूबेटर में 18 दिन रहता है और जो बाकी जो डे होते हैं वो हैचर में चला जाता है, मेन हैचर में चला जाता है। इसमें टोटल कितने होंगे अभी? अभी हमारे एटलीस्ट 15,000 है इसमें। 15,000 है? 15,000 बोल रहे हैं आप? अरे बाप रे, 15,000। अगर कोई किसी को हैचिंग कराना है तो वो आपके पास आ सकता है, संपर्क कर सकता है। हैचिंग के लिए मेरे पास उतना स्पेस नहीं है और मैं, हाँ लेकिन अगर चूजा चाहिए आपको, सोनाली का, डक का, बटेर का, एनीथिंग जिसे जो चीज़ चाहिए हम अवेलेबल कर देंगे, अपना हैच करते हैं हम लोग। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मार्किंग किया हुआ है इसमें, मार्किंग किस चीज़ का किया हुआ है सर? ये मार्किंग किया होता है, कोड होता है। अच्छा। क्योंकि हमारा हर 5 दिन पर अंडा लगता है। अच्छा। 5,000, 6,000, 7,000 हर 5 दिन पर 6 दिन पर अंडा लगता है ये, तो किस टर्निंग होता है, हर घंटे ये टर्निंग करता है। अच्छा। नहीं टर्निंग करेगा तो एक में जो बच्चा होता है सट जाएगा सेल में उसका। अच्छा। तो बच्चा खराब हो जाएगा, तो ये अपना ऑटोमेटिक मशीन है, हर एक घंटे पर वो टर्न कर लेगा उसको। उस तरह 15,000 जो हैं इसमें, मतलब कितने जो हैं वो थोड़े अगर भूल चूक से डैमेज हो जाते हैं? जैसा जब लगाते समय इस पौधे को केयर किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा कोई अंडा क्रैक ना जाए इसके अंदर। अच्छा। हाँ टिपी नाखून ना लगा, एकदम पूरा अच्छा से मेंटेन करके ग्लव्स लगाकर अंडा लगाया जाता है इसमें। अच्छा। ऐसे नहीं, हाइजीनिक पूरा केयर किया, हाँ बहुत सेंसिटिव तरह से बहुत केयर किया जाता है। आपको हैचरी में साफ सफाई भी देख रही है बहुत, पर डे इसमें डिटॉल है, टॉक्स कुछ पूरा सफाई होता है इसके वे किया जाता है। और ये फिर ये टर्न हो गया, फिर एक घंटे बाद ये टर्न होकर आएगा इस तरफ वापस आएगा। हाँ वापस आएगा, ये आपको हम दिखाने के लिए, ये हमारे मतलब एक्सपीरियंस के लिए किया जा रहा है, लेकिन हर घंटे जो है उसका जो पोजिशन है वो चेंज किया जाता है। इससे हमारा डायरी मेंटेन होता है, पता चलता है कि ये ट्रांसफ़र कब होगा मेरा यहाँ, इस अंडे से निकलेगा कहाँ से, इनक्यूबेटर से मेरा निकल के हैच में जाएगा कब। ये पूरा टाइमिंग होता है, बत्तख का 28 दिन में निकलता है, बत्तख का 28 दिन में निकलता है, मुर्गी का 21 दिन में निकलता है, बटेर का 18 दिन में निकलता है। ये सारा चीज़ का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन है। साइंटिफिक लग रहा है, लैब से कम नहीं है ये। इस चीज़ को फोकस करना बहुत, जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है ना, बहुत बारीकी से इसको 24 घंटा केयर करना, रात में भी केयर करना पड़ता है, कहीं अगर बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। इस तरह ऑटोमेटिक मशीन है, इस पर उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आदमी केयर करता है, क्योंकि अगर एक बार टेम्परेचर बढ़ गया तो मे भी अंडे में बच्चा जो सांस ले रहा है वो सांस नहीं ले पाएगा। इस अंडे के अंदर बच्चा जो है उसके अंदर वो सांस लेता है, वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्म रूप से छिद्र है जो बच्चे को ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है।
ठीक है दे रहा है, तो इस चीज़ को वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हाँ सेल्स होंगे, उससे पता चलता है। ये सब चीज़ बहुत बारीकियाँ चीज़ है। थोड़ा सा मैं इस मशीन के बारे में बात करना चाहूँगी सर, क्या इसका कॉस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत एडवांस्ड लग रहा है दिखने में, और जैसा मैं बार बार मुझे ICU का फीलिंग आता है जब मैं ऐसे फार्म की बनाती हूँ कुछ। तो हाँ खोले टेम्परेचर खोले ना तो इसका डाउन हो गया, अच्छा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डाउन हो गया, अब वो अपना मेंटेन करेगा, अलार्म बंद हो जाएगा वो। ठीक है हाँ अलार्म हो गया कि टेम्परेचर आपने खोला है, अगर कहीं भी हम बाहर भी बैठे हुए हैं चाहे कहीं बैठे हुए हैं, अगर टेम्परेचर खोल रहे हैं कोई मशीन चाहे टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है। थोड़ा सा इसका कॉस्टिंग सर, थोड़ा मैनुअली लगा हुआ है यहाँ, वो तो डिजिटल है। ठीक है ये मैनुअली है, ज़्यादा हम लोग फोकस मैनुअली पे ही करते हैं, मे बी और वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। मीटर लगा हुआ है, हाँ थर्मामीटर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का मीटर लगा हुआ है यहाँ, इस पर ये बहुत काम होता रहता है। जैसे फीवर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे एक है कि उस पर हो सकता है कि भरोसा ना हो, हो सकता है मशीन है कभी गड़बड़ी हो जाए, तो वो जो है वो एग्जैक्टली बताता है वो चीज़ बता। तो मशीन के बारे में सर मैं पूछ रही थी कि इसका प्राइसिंग क्या होता होगा। अब मशीन के बारे में आप कह रही हैं कि प्राइस का, तो अप्रोक्स अगर ये पूरा सेटअप लगाया जाए तो 15-20 लाख का सेटअप है ये। 15-20 लाख का सेटअप है, तो मतलब वो पहला प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस में ये आता है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, वही चीज़ है वही है, अच्छा। फिर इसके बाद सेकंड प्रोसेस ये हमारा है, ये इसमें अगर बतख डाल रहे हैं तो उसमें 26 दिन रहेगा, फिर यहाँ 2 दिन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मुर्गी सोनाली चाहे मुर्गी कोई प्रजाति डाल रहे हैं तो 18 दिन इसमें रहेगा और इसमें 21वां दिन इसमें चला जाएगा, मैंने 18वां दिन चला जाएगा, 1 दिन बच्चा निकल जाएगा। ये बटेर का भी वैसे ही है, 13 दिन इसमें रहेगा फिर ऐसे ही इसमें आ जाएगा। जो मशीन आपने वहाँ देखा था वही सेम एग्जैक्टली यहाँ पे है, वैसे ही अंदर में फिक्स्ड है और हर घंटे पे उसका रोटेशन होते रहता है जिससे पता चलता है कि वो ठीक रहे, चिपके ना, जो जैसा उन्होंने कहा कि सेल में ना चिपक जाए उसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं सर ये फाइनल टच पे, अच्छे समय पाई हैं कि आप हैचिंग देखने को मिलेगा आपको कि बच्चा निकल कैसे रहा है, चूजा में वो चीज़ मैं आपको दिखलाऊंगा। ये सब बहुत से यूट्यूबर मीडिया आता है लेकिन मैं भी उस दिन हैच नहीं रहता है तो नहीं देख पाता। शाली समझे हम अपने आपको, लकी हैं आप लकी। मतलब सबसे बड़ी बात है ना कि इस फील्ड में आने के बाद ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं ना जो हम शायद नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। फोकस ले लेने सर, जो आँख में जो जल रहा है वो क्या है? ये फॉर्मोलिन है, ये इसको डाला जाता है कि कोई प्रॉब्लम बच्चा में प्रॉब्लम होगा चाहे अंडे से सेल में निकलने के लिए, वो तोड़ के वो छटपटाएगा आँख में लगेगा तो बहुत सेल टूट के बाहर आ जाएगा। ये सोनाली ब्रीड का है, ये हमारा इंडिया रनर है, ये देखिए ये देसी ब्रीड है, ये सारे अंडे से बाहर आ गए। हाँ ये देखिए ये कलरफुल है ना, मैंने क्या बोला खाकी कैम्बल का जो होता है एक रंग का होता है, इसमें वो नहीं है, ये हमारा देसी इंडिया रनर है जो हमारे इंडियन का ब्रीड है। ये सब अच्छा। ये सब देखिए ये सब बच्चे अभी हैच हो रहा है, कल तक ये मशीन में ही रहेंगे, कल तक मशीन में ही रहेंगे। अभी कुछ अंडे हैं जो अभी निकलने के बाकी हैं, देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए टिपिंग हो रहा है, ये बच्चे निकलेंगे यहाँ से, देखिए ये देखिए बच्चे निकल के दिखला रहे हैं हम आपको कैसे निकलते हैं। बहुत से किसान युवा कहते हैं कि हमको दिखलाइए, देखिए देखिए ये निकल गया, अब ये ड्राई हो जाएगा, दुनिया में आ गया। हाँ ये ड्राई हो गया, अब ये सूखेगा, ये सब बच्चा ड्राई हो रहा है अभी, अच्छा। ये सूखेगा, अभी नमी है इसमें, इसको अभी हम अचानक 99.9 टेम्परेचर पर है, इसको हम बाहर लाने से कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाहर नहीं ला सकते हैं अभी, अच्छा। कल तक ये इसी में रहेगा, ड्राई होगा क्योंकि नमी है, अचानक वेदर 99.9 रखे हुए बाहर आएगा ना तो ये इसको निमोनिया हो जाएगा, तो ये बच्चा मरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग को बहुत कह नहीं रहे, बहुत केयर करना पड़ता है हर चीज़। देखिए ये आपका है छः, जैसे मैंने बाकी फार्मिंग में देखा था कि एक साथ ये लोग रखते हैं तो दबा दबा के भी मार देते हैं, मतलब किसी के ऊपर चढ़ गए हैं या फिर ऐसा कुछ। ठीक है ये तो अभी जिस इस अंडे में मेरा 100 eggs है, इसमें 100 हैं, 100 अंडे डाले हुए, हर ट्रे में 100 अंडे हैं, वहाँ भी देखिए बच्चे कैसे उछल रहे हैं। हाँ देखिए इस चीज़ को हम लोग बहुत केयर, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को बहुत, इसमें तो माने जनरेटर लाइट कटना ही नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा केयरफुल रहता है आदमी, जब भी हर मेरा हर सप्ताह में 2 दिन हैच होना ही होना है, 2 दिन, हाँ 2 सप्ताह में 2 हैच होता है हमारा। अच्छा। अभी टोटल आप लोग कितने होंगे इस फार्म में? इस फार्म में स्टाफ को लेकर 6 हैं, 6 लोग, हाँ 6 हैं, 6 मिलके इतना बड़ा फार्म जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है ट्रांसपोर्टिंग से लेके मेडिकल सब सुविधाएं लेके अगर देखा जाए तो, अभी और से हम और स्टाफ को बढ़ाएंगे। ये सर हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है, मतलब क्या बोले, हैच के समय आप सही समय पाए हैं ना कि आपको देखने को मिल जा रहा है, नहीं तो ये चीज़ किसी को नहीं मिलता है, कि हम लोग दिखलाते भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही केयर रखना पड़ता है, नहीं आप रख दीजिए, हो गया बहुत ज़्यादा।
इसमें टोटल कितने होंगे सर? अराउंड अभी लगभग अराउंड ये 7000 है, 7000 हाँ लगभग 7000 है। अब ये फिर देखिए बंद होगा मशीन, फिर वह ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में, हाँ नहीं इसमें अलर्ट ऑफ करके रखा जाता है क्योंकि इसमें आदमी 24 घंटा यहीं रहता है। हाँ ये चीज़ है, फिर वो अपना अभी टेम्परेचर गिर गया उसका 89.6 आ गया, जबकि हमको रखना है इसे 95 ह्यूमिडिटी रखना है। टेम्परेचर आपका बढ़ेगा अभी लगभग मेरे ख्याल से 97 हो गया होगा, फिर 99.99 रहता है इसमें टेम्परेचर। एक दो दिन में अब वो बाहर आ जाएंगे सारे, कल का डेट दो दिन, कल 10 बजे तक बाहर आ जाएगा, फिर बॉक्स ऐसा बॉक्स है हमारे पास बना हुआ, वो बाहर आएंगे देन उनका पैकिंग होगा और जहाँ से उनका डिमांड था वो ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया ही चलेगा उनका, भी स्पेशल ट्रे वगैरह लाओ वहाँ से, दो तीन बॉक्स लाओ ट्रे दिखा दीजिए सर हम लोगों को, दो तीन लाइए इसको चिक्स बॉक्स कहते हैं ऐसे। इसमें अब तो हमारा टैग लगा हुआ है लेकिन अभी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसमें अब ये टोटल में चिक्स में 50 बच्चे जाएंगे इसमें, ठीक है, हाँ 50 जाएंगे और इसको ढक्कन से करके पैकिंग करके इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आपको बता दें कि बिहार डक फार्म एंड हैचरी को इनोवेटिव एक्टिविटी के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण यानी आत्मा की तरफ से कुछ बहुत बड़ी राशि मिली थी जो कि इनोवेटिव एक्टिविटी के लिए मिली थी। जब कोई अच्छा करता है अपनी जगह पे तो ज़रूर उसको प्रेरित करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर भोजपुर की तरफ से किया गया था और इन्हें एग्जैक्ट मैं अमाउंट बताना नहीं चाहूँगी लेकिन एक राशि दी गई थी, एक प्रोत्साहन राशि आप जिसको बोल सकते हैं प्रोत्साहित करने के लिए दी गई थी। लास्ट मैसेज, जितने लोग आपको देख रहे हैं सर कैसे आपसे, आप क्या कहना चाहते हैं कि किस किस चीज़ के लिए लोग आपके पास आएँ, कैसे आप उनसे जुड़ेंगे? लास्ट में हम बताना चाहेंगे अगर कोई युवा किसान अगर कोई भी अपने क्षेत्र में अगर किसी बेरोजगार को रोजगार की तरफ बढ़ाना है तो हमारे साथ जुड़िए, फार्मिंग कीजिए और किसी बहुत बड़ा क्षेत्र है फार्मिंग के लिए रोजगार के लिए इसे छोटा ना समझा जाए क्योंकि पूर्वज शुरू से ही कृषि पर डिपेंडेंट रहे हैं और इस चीज़ को हम पढ़े लिखे युवा भी और आपके सामने आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, और रहा कि अगर कोई युवा किसान अगर फार्मिंग करना चाहता है तो हमारे पास इंडिया रनर, खाकी कैम्बल, बटेर, कड़कनाथ और अनेक प्रकार के चूजा अवेलेबल हैं और कम राशि में हम कम कीमत में पूरे बिहार में ऑल इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई फार्मर या किसान अगर फीड मैनेजमेंट से परेशान है तो वो हमसे जानकारी ले सकते हैं और आगे के फ्यूचर में हम आपको दिखला रहे हैं कि हमारे पास जो अजोला बेड को तैयारी कर रहे हैं, अजोला बेड और BSF का तैयारी कर रहे हैं, उससे किसानों और युवाओं को फीड कॉस्ट को कम करने के लिए पूरी तरह से यहाँ एक टीम बनी हुई है जो उस पर काम कर रही है। आपके आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत ही सहायता मिलने वाला है बिहार डक फार्म एंड हैचरी की तरफ से। तो हमेशा कहा जाता था कि बिहार एक या भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर हमेशा से फार्मिंग होती आ रही है, कृषि हमेशा से खेतीबाड़ी होती चली आ रही है। तो आइए थोड़ा सा योगदान अपना भी देते हैं, जो लोग समझते हैं कि जिनके पास स्कोप नहीं है कोई कहीं भी किसी फील्ड में उनके लिए कोई भी एक रास्ता नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए है, ये बिहार डक फार्म जो है वो आपको एक मौका देता है, आपको सहयोग करेगा अगर आप शुरुआत करते हैं तो किसी तरीके की परेशानी है वो आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कहीं दिमाग में अगर भूला भटका भी होगा कि कहीं ऐसे फार्म की शुरुआत करते हैं तो जरूर एक स्टेप आगे लीजिए और आके यहाँ पे मिलिए लोगों से, शुरुआत कीजिए और फिर हमें बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपने शुरुआत कर लिया आगे चलकर भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितना मदद पहुंचा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।